Hello friend, welcome to Digital Life by Sabir. Digital Life by Sabir channel में आप लोगों के बहुत-बहुत स्वागत है. Today I'm discuss about how to create a Gmail account. So let's start. सबसे पहले मैंने YouTube app को open किया क्योंकि मैंने आज दिखाऊंगी YouTube app की मदद से कैसे आप एक Gmail account खोल सकते हो. तो मैंने खोल लिया YouTube ऐप को और यहाँ पर जो एक लोगो है यहाँ पर मैंने क्लिक कर लेता हूँ. और यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर लीजिए. यहाँ पर से मेरा जो मोबाइल का पिन लॉक है उसको मैंने एंटर कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ. थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पर सिंपली क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ. और यहाँ पे मैंने एक नाम डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेरा एक नाम डाल देता हूँ तो ठीक है. और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ. थोड़ा सा वेट कीजिए. यहाँ पे सिंपली एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो मैंने यहाँ पर मेरा एक मोबाइल नंबर डाल दिया और एंटर पर क्लिक कर दिया और वेरीफाई पर क्लिक कर दिया. लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगी. तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर कीजिए तो आप अपना सही डेट ऑफ बर्थ आपका डाल सकते हो, नहीं तो आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप चुन सकते हो. यहाँ पे आपको सिंपली 18 साल डालना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं. आप 18 साल के कम उम्र है तो भी आप बना सकते हो. तो यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वन क्लिक कर लेता हूँ. यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक आप यूजर नेम चूज कर सकते हो, लेकिन यूजर नेम हमेशा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन है यूज योर फोन नंबर इंस्टेड यहाँ पर मैंने क्लिक करता हूँ, ये बेटर होता है. और यहाँ पर नेक्स्ट वन क्लिक करता हूँ फिर से और यहाँ पर OTP फिर से आ जाएगी और एंटर हो जाएगी. तो आ गया और एंटर भी हो गया. यहाँ पे आपको सिंपली एक पासवर्ड एंटर करना होगा, जो पासवर्ड होगा फॉर लेटर का और फॉर नंबर का. तो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ तो ठीक है. और यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड डाल दिया और डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मोर पर क्लिक कर लेता हूँ और भी और एक ग्री और नेक्स्ट और हमारा बन चुकी है. और यहाँ पर फिर से मेरा पिन कोड को मैंने डाल दिया तो देखा है दोस्तों, ये देखा है तो राजेश शेख का एक जीमेल अकाउंट बन चुकी है. राजेश शेख का एक जीमेल अकाउंट किस तरह बन गया है देखा है दोस्तों. तो उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो की मदद से आप अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए आप जीमेल अकाउंट बना सकते हो. उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा. अगर इसी की तरफ आप और सारे वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो पर जा सकती हो और बहुत सारे वीडियो इसके तरफ देख सकते हो. मैंने मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी और आई बटन यूज करूँगी और एड स्क्रीन पर जो वीडियो आता है वीडियो का एंड में जो वीडियो आता है वो मैं उसको मैंने डाल दूँगी. अगर आप चाहे तो आप क्लिक करके मेरा वीडियो को आप देख सकते हो. उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा. अगर इस वीडियो को पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है. थैंक यू. वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.